वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूर्णिमा और आज हम एक छोटा सा हॉल करने वाले हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रांड या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है ये, मैं एक रैंडम हॉल कर रही हूँ जिससे आपको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा उसमें से परचेसेस करने के लिए। ये कुछ ऐसे फैशन वाला वीडियो ऐसा नहीं है, एसेंशियल वाला चीज़ है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने खरीदी थी, अर्बैनिक से पैंट्स खरीदा था। उस टाइम अर्बैनिक में ऐसा स्कीम चल रहा था कि 990 में आप दो जिम वेयर ले सकते हो, लाइक जिम वेयर पैंट ले सकते हो। तो मैंने उसमें से दो परचेसेस किए थे। मुझे जिम जाने के लिए कुछ चाहिए था और मुझे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जिससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करूँ। फर्स्ट जो पैंट लिया था मैंने, वो यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी आपको कि वो कैसा दिखता है। और ये ऐसे आया था, ऐसा वाला मटेरियल है, आपको दिख जाएगा। और पीछे से ना एक चीज़ है जो आपके और पीछे जैसे इलास्टिक वाला चीज़ दिया है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है अगर आप छोटा टॉप पहनो तो, इतना भी ज़्यादा नहीं है, लाइक एकदम ऑब्वियस नहीं होता ये, लेकिन थोड़ा सा दिख जाता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं खरीदूँ। उसमें ऐसे वाले ऑप्शन भी हैं जहाँ पर आपको ये इलास्टिक वाला पार्ट नहीं मिलेगा लेकिन सेम कलर में मिल जाएगा। वो भी ऑप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा था, इसका इलास्टिक बैंड ये बहुत ब्रॉड है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से फिट कर देता है, बहुत अच्छे से फिट करता है, लाइक आपका जो टमी है उसको अंदर थोड़ा सा कर देगा तो आपको अच्छे से बैठ जाता है ये, तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये एंकल लेंथ तक आ जाएगा और बहुत स्ट्रेची मटेरियल में है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। लाइक 990 में दो मिला मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि अर्बैनिक ने अपना स्कीम्स बंद कर दिया है, कूपन कोड्स बंद कर दिया है, मुझे पता नहीं क्यों, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, थोड़े कॉस्टली हो गए हैं चीज़ें। लेकिन शायद ये आपको फिर भी 500-600 में मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जब लिंक दे दूंगी आप देख लेना। सेकंड जो पैंट खरीदा था वो मैंने सोचा था कि जिम वेयर है, मैं जिम में पहन लेती हूँ, लेकिन ये एक बाहर पहनने जैसा भी है। लाइक अगर आप बाहर पहनना चाहो इसको, कोई क्रॉप टॉप के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने बॉडी के साथ तो आप पहन सकते हो। ये बेल बॉटम पैंट जैसा लगता है, इलास्टिकेटेड है, ऐसे इलास्टिक है इसमें, मैंने उल्टा कर रखा है, सीधा कर लेना चाहिए। सो ये ऐसा इलास्टिक वाला बैंड मिल जाता है ऊपर से, ऐसा इलास्टिक है और इसमें पॉकेट्स भी है। यहाँ पे पॉकेट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक जीन्स जैसा ही लगता है, आपको थोड़ा सा हक करता है ये। और ये बहुत कंफर्टेबल भी है, लाइक मोस्टली अगर कहीं आसपास जाना होता है तो मैं पहन लेती हूँ और जिम में भी पहन लेती हूँ, इसके साथ शॉर्ट टॉप्स पहन लेती हूँ, ये अच्छा लगता। तो ये भी मुझे ये 990 वाले स्कीम में मिला था, ये दो चीज़ मैंने लिया था अर्बैनिक से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो चीज़ था वो जिम वेयर नहीं है बट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं इसके बारे में, बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये स्कर्ट है, प्लीटेड स्कर्ट, इसमें बहुत सारे कलर्स थे और अभी इसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। ये वाला जो था ऑप्शन, इसका शायद स्टॉक आउट हो गया है, फिर भी मैं देखूंगी। लेकिन सिमिलर वाला दूसरा वाला भी स्कर्ट है उसमें वेबसाइट पे, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये ऐसे बैंड आ जाता है इसमें और मैंने इसमें बहुत सारे रील बनाए, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे रील बनाए। मुझे पहले लगा था जब मैंने मंगाया था कि ये थोड़ा सा एकदम नायलॉन टाइप मटेरियल होगा, जैसे नॉर्मली स्कर्ट्स होते हैं। मेरे पास एक रेड कलर का स्कर्ट था, मैंने डीमार्ट से लिया था, वो वैसा ही था, बट ये वाला अलग स्ट्रेची वाला मटेरियल है और ये प्लीट्स जाते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वॉश करोगे तो चला जाएगा, आयरन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, आप कितना भी वॉश कर लो ऐसे ही रहेंगे और ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे आउटफिट के साथ ट्राई कर सकते हो, इसके ऊपर ओवरले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप पहन सकते हो। मैं आपको पिन इंटरेस्ट का भी थोड़ा आइडियाज़ दे दूंगी आपको कैसे इसको स्टाइल करना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैंने टी शर्ट्स लिए थे बेवकूफ़ से। आई थिंक उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और प्रिंट के ऊपर प्राइजेस हैं, प्रिंट के ऊपर प्राइजेस है। लाइक कुछ भी ट्रेंडी प्रिंट लेते हो, जैसे कोरियन एनिमे टाइप कुछ लेते हो, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसके कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर आप कोई रैंडम लेना चाहते हो तो उसके कॉस्ट कम है। तो मैं, मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक था नहीं, बट मुझे सिर्फ टी शर्ट चाहिए थे जो थोड़े अच्छे लगे, लाइक जिम में डालना ईजी हो मेरे लिए, तो मैंने ये वाला टी शर्ट लिया था। इसमें BTS लिखा हुआ है आगे से, और आजकल बहुत ट्रेंड है कि आगे से छोटा सा प्रिंट होगा और पीछे से ऐसे बड़ा प्रिंट होगा सेम। उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, लाइक मोटा क्वालिटी है और इसका कलर भी नहीं जा रहा है, मैंने वॉश करके देख लिया है 2-3 बार, तो इसका कलर वर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने सेम ब्लैक में लिया है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगी कैसा है, अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया है पता नहीं कहाँ तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं वो भी बता दूंगी। वो भी वैसा ही है, आगे से छोटा सा एक प्रिंट है, क्यूट सा आई थिंक ड्रिंक का कुछ है, और पीछे से बड़ा सा प्रिंट है उसमें। ये दो टी शर्ट्स लिए थे मैंने। उसके बाद मैंने Zudio से परचेसेस किए हैं। Zudio में आई थिंक बाली जाने से पहले गई थी, तो
जूडियो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, बहुत जूडियो वाला चीज़ लोग ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई वेबसाइट नहीं है, मैं आपको लिंक नहीं दे सकती, लेकिन मैंने जूडियो से जाके कुछ परचेसेस किए हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि मैंने जो परचेसेस किए हैं वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा वहाँ ट्रेंड चेंज होता ही रहता है। तो मैं फिर भी आपको एक चीज़ बता रही हूँ क्या कम्फर्टेबल और क्या नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये इलास्टिक वाला पैंट्स, ये बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप समर्स के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक इसमें ऑलिव कलर था, मैंने ब्लैक लिया क्योंकि ब्लैक बेसिक है और बहुत सारे आउटफिट के साथ डाल सकती हूँ। और बाली में बहुत गर्मी थी तो उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि कुछ कॉटन वगैरह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल रहेगा, तो ये मैंने लिया था। ये बहुत कंफर्टेबल है, अगर आप इसके ऊपर कोई क्रॉप टॉप पहनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। मैंने ट्रायल में दिखाया कि कैसा दिखता है, और इसमें ऊपर से इलास्टिक है और नॉट भी दिया है, और इसमें दो पॉकेट्स भी हैं, और इसको सुखाने के लिए ये जो बैंड होता है वो भी दिया है इसमें। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है और प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं थे, आई थिंक 700 या 800 था, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट जो चीज़ लिया था मैंने वो ये पैंट्स थे, ये मैंने मेन सेक्शंस में से लिया था, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। इसमें लाइक मेन सेक्शन में सबसे छोटा साइज़ था ये, ये भी थोड़ा लूज़ है मुझे, बट फिर भी मैंने ये लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मेंस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल है, लाइक अगर आप रोज़ के लिए पहनना चाहते हो कुछ तो, और आई थिंक ये अभी भी रहेगा वहाँ पर, आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं रोज़ रील डाल रही हूँ, वो भी चेकआउट करते रहना। रील में मैं बहुत सारे आउटफिट बताती हूँ आपको। और एक चीज़ है कि मुझे पता नहीं कि कौन सा कॉन्टेंट आपको अच्छा लगेगा, आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको एक फुल लेंथ वीडियो बना के दे दूँ, क्योंकि फुल लेंथ वीडियो कोई देख नहीं रहा है, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या चूज़ कर हम लोग नॉर्मली ऑफिस वेयर में या फिर कॉलेज वेयर में पहन सकते हैं, ऐसे वीडियोस बनाने मुझे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ प्रैक्टिकल, तो मैं आपको वो ला के दूंगी, क्योंकि वो खरीदना लाइक बेस्ट ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।